अस्सलाम वालेकुम। मैंने बोली थी ना आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ही दिखने वाला है, तो बताना कैसी लग रही हूँ। बहुत पुरानी साड़ी है, तो इनशाला मैंने मेरे बेटे को बोली हूँ कि जब तुम छोटे थे तो मैंने ये साड़ी तुम लोगों के साथ पहनी थी कोई फंक्शन में, तो वो फोटो जरूर बेटा अगर मिले तो शेयर करना, तो इनशाला इनशाला। और इसी के साथ साथ बहुत अच्छी मैंने एक रील बनाई पुराने गानों पे, क्योंकि मैं जैसे मुझे खुशी मिलती है, जैसे मैं खुश रहती हूँ ना, मैं वो चीज़ें करती हूँ। ये नहीं कि मैं ट्रेंड पे कहलाने के लिए कुछ भी चीज़ें करूँ, नहीं, मुझे अपने आप में खुश रहना पसंद है और ये सब चीज़ों से मुझे खुशी मिलती है, इसलिए करती हूँ। थोड़ी मुझे किसी के पास जाना है, काम करना है, फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना, नो, मैं हूँ सायरा सत्तानी, तो मैं सायरा सत्तानी ही रहूंगी। और ये सब जो साड़ियाँ हैं बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है, मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, और आप यकीन जानिए मैंने ये साड़ी सब बाहर देने के लिए निकाल कर रखी थी, बट उसमें से बहुत सारी साड़ियाँ दे दियो, दो साड़ी बची थी जो ये देना था मुझे, तो अब मैंने पहने तो इतनी अच्छी लग रही है, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये साड़ी नहीं दूंगी, क्योंकि इसमें की कोई भी साड़ी मेरे पास है नहीं। और आप इसका ब्लाउज देखोगे, इतना फिटिंग, इतना खूबसूरत, इतना वर्क, ये देखिए इतना खूबसूरत वर्क है, एक सिंगल इसके अंदर का स्टोन भी नहीं गिरा है। तो मैंने इरादा किया है कि अब ये साड़ी मेरे पास रहेगी और इसका नाम रहेगा सायरा सत्तानी साड़ी। हो गया रेडी? ओहो, तो कुछ बुआई तरी देखना कितनी अच्छी छूट गई। कौन सा हो, चिकन बनाई मालूम आज मैं? आगरी चिकन, आगरी मसाला चिकन। देख, हो गया पूरा रेडी, मस्त व्हाइट वाला कांदा फोड़ेंगे, स्टीम राइस के साथ खाएंगे, टूट पड़ेगी और फुल मजे करेंगे। हो गया मेरा पूरा खाना, किचन भी मेरा हो गया पूरा क्लीन, देख। और उसके साथ स्टीम राइस रेडी, और यहाँ पे मेरी चिमनी हो गई बंद, और उसी के साथ मेरे किचन की थोड़ी सी लाइट भी हो जाएगी कम। बस अब मैं जा रही हूँ हॉल में, और मुझे इतनी नींद आ रही, पता नहीं, मैं अमीन को वही बोली कि मुझे लगता है रोज सोने की आदत पड़ गई है। मैं उसको लिए अभी अगर चुप खला नाम के लिए भी मैं सोफे पे लेटू तो सो जाओगी। ये है आज का हमारा डिनर, और ये है आगरी मसाले वाला चिकन मसाला एंड स्टीम राइस, बहुत सारा सैलेड, और साथ में बेटा, छोटा बेटा, बड़ा बेटा बस अभी आ ही रहा है, और हम लोगों को लगी है बहुत जोर से भूख। साथ में बैठी बैटरी मम्मी, अभी बैटरी मम्मी हो गई है ना। और मस्त मैंने आज कॉर्सेट पहनी हूँ बैंकॉक का, एकदम फर्स्ट क्लास हेल्दी फूड, हेल्दी खाना, और एम्बियंस एकदम अच्छा वाला है ना, लाजवाब लाजवाब लाजवाब, कोई जवाब नहीं है इसका। हाँ बराबर दिख रहा है बे। अस्सलाम वालेकुम, जस्ट अभी दरवाजा बंद की अली, आज थोड़ा लेट हो गया अली को, अली गया है 6 बजे, और दरवाजा थोड़ा सा खुला था देखी तो मैं, तो अभी चलो मेरी हो गई नमाज, अगरबत्ती वगैरह पूरे घर में लग गई है, बेडरूम में हो या फिर किचन या अपना हॉल में हो या सब चीज़ें जगह पे। और माशाल्लाह मेरी बेटी, जहाँ मैं घूमूँ जहाँ मैं चलूँ मेरे साथ साथ, और आज बहुत अच्छा लग रहा, पता नहीं आज ऐसा जैसा नमाज पढ़ के दिल चाहता ना कि सो जाओ थोड़ी देर जाके, वैसा नहीं हो रहा दिल, आज बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पर बैठूँ, थोड़ी विंडो वगैरह खोलूँ, ठंडी ठंडी हवा लूँ, और सोने का इरादा नहीं है, लेकिन नींद आई तो सो भी सकती हूँ, कोई भरोसा नहीं है। विंडो खोली, माशाल्लाह फजर का एक नज़ारा कितना खूबसूरत, और इतनी ठंडी हवा आई, और जैसी ठंडी हवा मुंह पर लगी तो और ज़्यादा अच्छा फील होने लगा है, माशाल्लाह। यहीं पे सो गए, पर्दे वर्दे बंद करके, फैन पूरा बंद करके, इतनी ठंडी हवा आ रही थी, इतने एक झटके से मैं उठी हूँ क्योंकि मुझे अर्जेंट एक काम के लिए जाना है, और आँख खुली तो देखी तो 9:30 बज गए। अब कल की ड्रेस पहनती हूँ, झटपट झटपट फ्रेश होती हूँ, फटाफट जाकर आती हूँ कि बहुत अर्जेंट एक काम के लिए मुझे जल्दी उतरना था। ऐसे मस्त यहाँ पे एकदम सोई, बहुत अच्छी नींद हो गई, चेहरा भी देखो कितना मस्त फ्रेश फ्रेश हो गया है। फटाफट फ्रेश होती हूँ, कल की वाइट वाली ड्रेस डालती हूँ और फटाफट जाके काम कर आती हूँ इंशाल्लाह। बस बनाती हूँ चाय, क्योंकि
टाइम नहीं है मेरे पास इतना, मुंह हाथ धो के फ्रेश हो गई मैं, सब चाय बनाती हूँ। और आपको एक चीज बताऊं, घर में कहने को तीन जने और इतना सा खाना बनाती हूँ मैं, पूरा पूरा सालन ऐसे ही रखा हुआ है, और उसी के साथ में चावल, एक छोटी सी वाटी चावल बनाती हूँ मैं, पूरा चावल ऐसे ही है। इसीलिए खाना बनाने को सोचती क्या बनाऊँ खाना, और जब अयूब रहते थे ना तो सबको बराबर से बिठा के सब बराबर खाना खाते थे, खाना ही पड़ता था कि सबको खाना खाने के लिए बिठाते थे, साथ में आवाज़ दे दे, अब खाना बनाओ फिर इंतज़ार करो फिर उठा के दे दो, यही होता है। और अमीन बेचारा फिर मेरा दिल दुखता है बोल के, नहीं खाने वाला बच्चा भी चावल खा लेता है, और अली का कोई ठिकाना नहीं रहता, बाहर से आते थे खा लेगा। और कभी कभी अभी कल तो मैंने स्पेशली उसके लिए बनाई थी चिकन मसाला और राइस, लेकिन खाया मेरा अमीन ने मेरे साथ बैठ के। जब चाय बनाती हूँ पीने को मेरे दे देती हूँ खाना, और उसके बाद फटफट तैयार होके निकलती हूँ। वॉशरूम गई है मेरा बच्चा, मेरे बाद उसकी बारी रहती है, वॉशरूम में ही है। आज नाश्ते में है पूरन पोली और ये मीठी चकली साउथ इंडियन, ये मेरे को खाने शाम को दिल कर रहा था, तो अमीन जब नीचे था तो तब बोली उसको लेकर आने। और ये बालेशा पीर गया था ना अली, तो वहाँ पे एक आंटी बनाते बहुत मस्त गरम गरम, तो वहाँ से मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताई थी, तो वहाँ से मैंने अली को बोली कि पूरन पोली लेकर आ बेटा, मेरा बहुत दिल कर रहा है। और ये बना लिया मैंने गरम गरम चाय, और यहाँ पे बैठ गई नाश्ता करने। और ये वाला फ़ोन जो आपको पता है कि हमेशा मैं तिलावतें लगाते रहती हूँ नाश्ते के टाइम, तो अभी इसमें लगाऊंगी मंजिल। देखो कपड़े भी मेरे हो गए चेंज, फटफट चाय भी बन गई, नाश्ता करने भी बैठ गई। काम करने की आदमी के अंदर चाह होती है ना, तो वो उम्र मैटर नहीं करता है, वो उसकी एक्साइटमेंट रहती है, वो उसकी चाह रहती है, और कुछ उसकी जिम्मेदारियाँ रहती है। जिम्मेदारियाँ तो लगभग बहुत सारी पूरी हो गई है, बट काम करने की जो चाह है ना वो मेरे अंदर बहुत है। मैं उसमें उम्र नहीं देखती हूँ कि मेरी इतनी उम्र हो गई अभी क्या ये वो, ऐसा नहीं, बस करते रहिए ताकि आप फिट भी रहे, खुश भी रहे और इंडिपेंडेंट भी रहे। ये नहीं बेटा वो उधर अभी तक है वो, देख उधर मैंने ना वो जमजम का पानी पी के रखी हुई गुट, वो हाँ वो पी ले। चलो अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्ला बोल के सदका निकाल के बस निकली हूँ काम से। अल्लाह पाक बरकत दे और हर किसी की रोजी में बरकत दे अल्लाह पाक, क्योंकि हर कोई उम्मीद करके ये ले घर से निकलता है। और माशाल्लाह बस मेरी तो सुबह आप लोगों के साथ ही शुरू होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की हर अच्छी चीज़ों के साथ शुरू होती है, तो अच्छा ही दिन जाता है और अच्छा ही बोलना चाहिए हमें। बॉम्बे का तो ऐसा सीन है, काम अगर एक घंटे का हो ट्रैवलिंग आपकी तीन घंटे की रहती है। देखो सुबह के निकली हूँ मैं 10 बजे घर से, ये ट्रैफिक की वजह से मैं गाड़ी कभी लेके जाना पसंद ही नहीं करती हूँ, पर क्या करूँ इतनी धूप लगती है, इसलिए ये बांध के, तो आजकल ये बांधने से क्या होता है चेहरा अच्छा खासा कवर रहता है और सेफ्टी रहती है। बस अब हो गया है काम, अब जा रहे घर की तरफ। चलो भाई आ गए घर, और ये बांधती हूँ करके फेस थोड़ा अच्छा ही रहता है। इतनी तलब लगी है चाय की भी और पानी की भी और भूख भी, आज ना पानी पी बाहर, ना कुछ चाय पी, ना कुछ नाश्ता, सीधा मैंने घर जाके, क्योंकि रात का इतना अच्छा सालन रखा हुआ है मैंने वही खाएंगे। आज भी चिल्लाई देखो, आज भी ना गाड़ी बंद किया था ना हेलमेट निकाला था। बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम पीनो, ए पीनू ये होती है मेरी बच्ची, पीनो आओ इधर आओ, अल्लो मेरा बच्चा आ जाओ, ए हम लोग कुछ खाए पिए बिगर भागे ले घर से सुबह इतना, एक तो मैं 9:30 बजे आँख खुली 10 बजे जाने का था, मेरे को भागी हुई ऐसी, पीनो आओ मम्मा इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत होशियार हो गए हैं बच्चे, बहुत होशियार है। रेशमा नारियल पानी निकालने बोली थी, ला दे मेरे को, दवा भी नहीं खाई ऐसी भागी हूँ मैं, ऐसे भागे
हाँ दवा भी नहीं खाई। और वो पूरन पोली खाई तू? क्यों नहीं? मैं इसके लिए ऊपर टेबल पे रख के गई थी, मेरे को मालूम है। तो चाय बना के तेरे रख के गई थी मैं, पी चाय। मैं बोली पूरन पोली देख के भी खाएगी तू? ला मुझे पहले तू दवा दे और पहले पानी पिला। चल दवा खाती हूँ। अच्छा ना वो फेस पूरा बांध के गई थे, फेस कितना क्लीन है ना, एकदम साफ सुथरा लग रहा ना। उसकी मम्मी के राज में वो यहीं बैठने वाली है ना। मम्मा जाओ जाओ, नौकरे मत कर। अमीन नारियल पानी निकाल के देना बेटा। आए दीदी रेशो हाथ धो के निकाल। ये कल से निकली हुई थैलियां, रोल प्रेस के लिए जाना है, फॉल बिडिंग के लिए जाना है, और थोड़ा साड़ी में कुछ लटकन वटकन देखना है मुझे नई वाली। और ये तो बापरे कितने दिन हो गया, निकाले फिर अंदर रखे फिर निकाले, आज फाइनली फिर मैंने इसको बोला निकाल बेटा बाहर, जाती हूँ टेलर के पास, जाकर आती हूँ इतना सारा सब टेलर के पास, और रोल प्रेस सब जगह पे पहुँचाना है इसको। तो सोच रही हूँ खाना खा लूँ, क्योंकि आ रही थी बहुत नींद, फिर सो जाऊँगी तो फिर शाम हो जाएगी। सोच रही हूँ खाना खा के फिर निकल ही जाती हूँ। जैसे मैं बता रही थी घर पर बहुत मस्त सालन है, तो रोटी में पराठे तो ये मेरे हमेशा रेडी रखती हूँ लाकर, जब चाहिए तब खाने के लिए। और सालन का रंग देख के आप बताओ ये पराठा कितना मस्त लगेगा ना इसके साथ। चावल भी है वैसे तो, बट इसके साथ मेरा दिल चाह रहा है पराठा खाना, केरला पराठा। तुम्हारे को ठंडी लग रही है? देखो ये मेरा खाना, ये मेरी बेटी का खाना। आज बेटी है मेरे साथ में, बेटे लोग नहीं है दोनों भी। मैं जा रही हूँ विंडो पे बैठ के खाने के लिए, इतना मस्त लग रहा है इधर। हाँ इधर ना रेशो नीचे ये निकाल दे बेटा, निकाल के एक बाल्टी पानी से ना पूरा क्लीन कर दे। वो ये रोज की जगह रेशमा की है, आज मैं बैठी हुई इधर खाना खाने को, मस्त एकदम। आओ आओ ये देखो, आओ आओ ऊपर आ जाओ, चलो आ जाओ। चिकन की खुशबू आ गई होगी उसको, दिख रहा ना मेरे चेहरे पे कितनी नींद है, लेकिन सोऊंगी नहीं, खाना खा के काम के लिए निकल जाती हूँ। बाबा क्या मस्त हवा आ रही है इधर से, है ना, दिख रहा है ना बहुत अच्छी हवा आ रही है। मैंने और कौवों ने मिल के खाना खाया ये, और फिर भी इतनी रोटी बच गई, अब बस नहीं खाया जा रहा मेरे से। और एक बाइट लास्ट इनका भी बचा है, तो ये जिनको लेके जाना है वो लेकर जाएंगे। मैं मेरी मम्मी भी यहाँ बैठते थे ना, तो हमेशा खाना खाते खाते यहाँ पे ऐसे बाइट रखा करते थे। ये तो अभी मैंने यहाँ पे दबा के रख रही हूँ, नहीं तो पहले बारीक वाली जाली थी ना, तो उसमें बस अटका देते तो वो लोग लेकर चले जाते थे। बस हो गया मेरा भी खाना, अब जा रही है उठा के रख देती हूँ, और फिर वही तीन तीन थैलियाँ रखी है वहाँ पे। सोच रही कपड़े चेंज करूँ कि ये करूँ, क्योंकि कल सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए ये ड्रेस पहनी थी मैंने, और उसके बाद फिर वो साड़ी पहन ली थी जाना था बाहर, और फिर इसीलिए फिर मैंने इसको लटका के रख दी थी कि मेरे आज जाना है मुझे सुबह अर्जेंट, थोड़ा देर का ही काम था तो यही पहन के चली जाऊंगी। और ऐसे भी ये कल मैंने बताई थी आपको, ये फट गया तो भी मैं यही पहन के चली गई थी, चलता है। अब सोच रही हूँ कि अब अगर नीचे उतर जाऊँगी तो फिर पता नहीं कितना टाइम लगेगा मुझे आने, तो सोच रही हूँ नहा धो के फिर कपड़े दूसरे कॉटन के कोई चेंज कर लूँ, फिर ही उतरूँ नीचे। हाँ क्या हवा आ रही, इसे हवा में एक तो पेट भर के खाना खाए, जरा भी यहाँ सोफे पे पड़ो ना, कब आग बंद होगी पता भी नहीं चलने वाला है। आखिर वही हुआ, खाना खाई ठंडी ठंडी हवा लगी सो गई, आँख खुली तो 5:30 फटाफट नहाई, नहा धो के फिर सब चीजें अगरबत्ती लोबान लाइट सब घर में सब चीजें करके फिर असर तो कजा पड़ी, मगरिब बराबर पड़ी हो, असर मगरिब पड़ी। अभी अमीन को फोन की, मेरे को गाड़ी चाहिए था, तब अमीन बोला मम्मी मैं आता हूँ बस 10 मिनट 10 मिनट, तब देखो उसके 10 मिनट कब होते हैं वो देखना है मुझे, तब तक बनाती हूँ चाय, और चाय पीने तक अगर वो आ गया तो बेटर है, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते हम, सिर्फ इंतजार के सिवा कुछ नहीं कर सकते। और खाना वाना तो आज कुछ बनाने का इतना मूड नहीं है, हल्का फुल्का ही कुछ बनाऊंगी आज भी, देखते पहले चाय बना लेती, बहुत तलब लगी है चाय की। चलो चाय बनाने तो रख दी, थोड़ा सा हो जाती हूँ तैयार, क्योंकि चाय पी के तुरंत ही मैं निकल जाऊंगी मार्केट।
सी ऊपर आ गई है क्योंकि मैं कर गई थी स्लो और मैंने फट मेकअप किया इन द सेंस के 10 मिनट भी नहीं लगा है मुझे तैयार होने के लिए और मेरी चाय भी लगभग बन चुकी है। तो चाय पीते हैं एंड चाय हो गई रेडी लेकिन थोड़ी ज़्यादा हो गई लेकिन चलता है अभी ठंडी का मौसम है। और जो दोपहर में मैंने खाई थी पराठा तो उसका जो टुकड़ा बचा था मैंने वो ले लिया इसके साथ क्योंकि खाली चाय मेरे से पी नहीं जाती है तो और ऐसे भी खाली चाय पीनी भी नहीं चाहिए। चाय एंड पाव टुकड़ा भी नहीं सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है चाय का बस वो एक नाम के लिए कि चाय के साथ कुछ खाना चाहिए तो ये पी लेती हूँ। तब तक अमीन आ जाएगा। अमीन अब तक आया नहीं है 10 मिनट बोला है उसने पर अब तक आया नहीं है। और देखो ये कितना ये एक साथ होता है जैसे मैं आप लोग कोई नहीं है घर में पर फिर भी कहीं ना कहीं आप लोग हो जो मैं आपसे बात करती हूँ तो जरा भी ऐसा महसूस ही नहीं होता कि मैं घर में अकेली हूँ। मैं दिल चाहता है जब भी अकेली रहती हूँ तो कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ बातें करते रहती हूँ। आप देखते ही हो चाहे अर्ली मॉर्निंग हो या रात हो या दिन हो घर में अकेली रहो ना तो मैं आप लोगों से जरूर कुछ ना कुछ बातें करते रहती हूँ। तो ये एहसास होता है यार कि आप लोग हो मेरे साथ और अच्छा भी लगता है मुझे। लाइट की आवाज आ रही है। सेठ जी आए हमारे 10 मिनट तक 10 मिनट नहीं हुआ। वालेकुम असलम 10 मिनट नहीं हुआ। अरे आपको पता है मुंबई की ट्रैफिक। हाँ मैंने अभी पढ़ा है कि 10 साल तो एक मुंबई वाले आदमी के ट्रैफिक में ही निकल जाएगी। सच्ची में इसकी बातें नहीं आगे कुछ नहीं है सच्ची बात है। वो अयूब का डायलॉग था बड़े बड़े की बातें और गधे की लाते तो वो नहीं है। मेरे बेटे की बातें बहुत लॉजिकली और बहुत अच्छी होती है बराबर। और 10 मिनट में आपने बोला मुझे मैंने 10 मिनट में चाय भी बनाई चाय भी पी तैयार भी हुई और सारे बैग वहां लेके इंतजार कर रही हूँ। ये तो ले ले भाई इसको गोद में ले इसको गोद में उसको तड़पते रहती मैं जहाँ बैठूंगी वहाँ तेरे पास या मेरे पास। आज मैंने आपके लिए ना एक स्पेशल चीज मंगाया हूँ ब्लूबेरी ग्रनोला स्मूदी। भाई मैं 2 दिन से इतना मीठा खा रही हूँ भाई। कल मैंने पूरन पोली मंगा के खाई फिर वो मीठी चकली मंगा के खाई और आज मेरा दोपहर में इतना दिल चाह रहा था वो क्या वो तू खिलाता मेरे को गरम गरम नटेला वफल्स। अरे हाँ, तो तूने मेरे को दोपहर में पूछा मैंने बोला नहीं पापा मुझे आपको भी ऐसा लग रहा है ना थोड़ी सी मैं देखो इसको ना सिर्फ मेरा गोद चाहिए मेरी लालू बेटी है मेरी लालू बेटी। तो चलो अब तो मैं निकल रही हूँ बाहर तो इंशाल्लाह वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखेगा। और ये जो कॉर्सेट है ये मैंने ली थी अजमेर से और ये मुझे गिफ्ट दिया था अयूब ने जब हम लास्ट टाइम साथ में गए थे। तो बस उसके साथ साथ आज ब्लॉग भी करते हैं एंड मेरा तो क्या यार छोटी मोटी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले क्या बोली घर में कोई नहीं रहता पर आप लोग हो मेरे साथ और आई एम वेरी हैप्पी। पहले से मम्मी को अच्छा लगता है। हाँ मेरे को ब्लॉग बनाना रील्स बनाना बहुत अच्छा लगता है और उससे क्या होता है मेरी माइंड एकदम फ्रेश होता है और दुनियादारी के झंझटों से मैं बहुत दूर रहती हूँ। अब काम तो करती हूँ काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। और माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए लेकिन आज मैंने अमीन से क्या शेयर किया पूछो क्या मैं तेरे को रास्ते में बोल रही थी काम मेरे को हमेशा करते रहना है तो ये बोला अभी मैं तुमको इतना आराम दूंगा ना मम्मी मेरा सब शुरू हो जाएगा। तो मैंने बोला नहीं मेरे को काम करते रहने दे मैं काम करते रहूंगी तो अपने आप का भी ध्यान रखूंगी और खुश भी रहूंगी। तो बस यही सोचों के साथ और अच्छी बातों के साथ और अपने बच्चों के प्यार के साथ व्लॉग को करती हूँ एंड आप भी खुश रहिए आबाद रहिए और हमेशा हमेशा वो चीज़ कीजिए जो आपके दिल को अच्छा लगे। चलिए अल्लाह हाफिज़।